नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। इस वीडियो में मैं बाल विकास का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, मानव विकास की अवस्थाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। शारीरिक विकास तो एक सीमा के बाद रुक जाती है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं का विकास निरंतर होते रहता है। और मनोशारीरिक क्रियाओं में क्या क्या आता है इसको देखते हैं। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। और इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। और इन आयु स्तरों को ही हम क्या कहते हैं, विकास की अवस्थाएं कहते हैं। और भारतीय मनीषियों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था, पांचवा है युवावस्था, छठा है प्रौढ़ावस्था और सातवां है वृद्धावस्था, जिसमें गर्भावस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक के काल को मानते हैं, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक और बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। लेकिन इस समय के अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही करते हैं, जिसमें एक आता है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा वयस्कावस्था, जिसमें शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक के काल को मानते हैं और बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के काल को और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के काल को और वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक के काल को। लेकिन इसमें भी शिक्षा के दृष्टि से प्रथम जो 3 अवस्थाएं हैं सो ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है और किशोरावस्था आता है। तो आगे के वीडियोस में मैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को एक्सप्लेन करूंगी। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।